हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट के अंदर पेज कन्वर्ट हो चुका है और वहां अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां बताने वाला हूं किस तरीके से मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, फेसबुक के मेटा बिजनेस सूट के अंदर कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, क्या क्या तरीका होता है, कैसे अच्छे से मतलब सही तरीके से प्रॉपर वे में वीडियो अपलोड करेगी, वहां किसी तरह की दिक्कत ना आए। और यहां पर मैं जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे वो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में, यहां पे तीन चीजें हैं एकदम देखने वाली कि फेसबुक पे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में क्या पंगा है, तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ आप अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमें सब अपडेट रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं फेसबुक पे मेटा बिजनेस सूट्स के अंदर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, क्या तरीका है और किस तरीके से बेस्ट वे में वीडियोस अपलोड कर सकते हैं इजी। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक पे जो मेटा बिजनेस सूट्स है ये वाला, इसके अंदर वीडियो कैसे अपलोड करने है। नया नया अपडेट आ गया फेसबुक पे और बहुत सारे लोग कह रहे थे न्यू अपडेट में वीडियो बनाओ, तो एक मैं इसके ऊपर कई वीडियो बनाने वाला हूँ इस टाइम में। इस वीडियो में तो सिंपली से बता रहा हूँ कि वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं, जो आपके डेस्कटॉप पे वीडियोस वगैरह होती है जो आप पोस्ट करना चाहते हैं, जैसे वीडियो जैसे आप लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, बाकी चीज़ें और है क्या क्या आप इसके बारे में जानना मेटा बिजनेस सूट्स के बारे में कमेंट करके बताना आप लोग, ताकि इसके बारे में और वीडियो ला सकूं। तो अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार, तो ये क्रिएट पोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक नया इंटरफेस है फेसबुक का, जो क्या कर रही है कि इस टाइम सारे चीज़ें को इकट्ठे मिला रही है, यानी कि जितने इसके फेसबुक मेटा के बिजनेस है वो सबको एक मिला रही है, यानी कि इंस्टाग्राम बाकी जो भी चीज़ है मोटा ऐसा टूल सारी। तो यहाँ पे पहले करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक ब्लैंक सा रहेगा। बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एड वीडियो यूज टेम्पलेट वगैरह यूज़ करना है, तो इसके बारे में बाद में मैं ओवरऑल एक वीडियो और बनाऊंगा। और ये इमेज स्लाइड शो के थ्रू डायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो वही बना सकते हो, बट ये अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप है, तो इस पर क्लिक करके हम डेस्कटॉप पे से एक वीडियो ले लेते हैं। तो यहाँ मान लो कि ये वीडियो है माय वीडियो 3, तो इसको मुझे डाउनलोड लगाना है इस टाइम में। तो जैसे ये कर दिया तो ये गेम एक्चुअली में डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो अब क्या है यहाँ पे एक टाइटल लिखना आपको, तो टाइटल में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेस्ट गेम, ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइटल बेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी सेम वही जो ऊपर टाइटल में होगा वही आपके डिस्क्रिप्शन में भी होगा, सेम कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, हैशटैग वगैरह लगा सकते हैं, फिलिंग एक्टिविटी लगा सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पेज आपका मोनेटाइज है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा लैंग्वेज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको वीडियोस पे ऐड चाहिए और मोनेटाइजेशन ठीक ठाक चाहिए, यानी कि डॉलर आपका हमेशा ग्रीन रहे, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको अपना लैंग्वेज को, हिंदी में वीडियो है तो हिंदी में, से गेमिंग वीडियो कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश कर दूंगा, ठीक है, तो सिंपली सा ENG कर दूंगा। और आपका कंटेंट हिंदी में है तो हिंदी कर लो या इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर लो, आपके हिसाब से जो अपना कंटेंट का लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना, ठीक है, ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। तो इंग्लिश हो चुका है, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वीडियोज़ के अंदर, इसकी वजह से एड वैड नहीं आती। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाहे थे इसमें से भी थंबनेल ले सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर से वीडियो के अंदर का ही थंबनेल ले सकते हैं, ऑटोमेटिक कुछ स्लाइड्स में बना के देगा, तो आप इस पर क्लिक करके वो कर सकते हैं। चाहो तो आप वीडियोस के अंदर से फ्रेम ले सकते हैं, यानी कि जो वीडियो का फ्रेम भाई ये बना होता है तो वीडियो के अंदर से ले सकते हैं, और या नहीं तो इस पर क्लिक करके अपलोड इमेज पर क्लिक करके आप रेंडमली कोई एक थंबनेल बना सकते हैं अपने वीडियो के लिए। जब और नीचे करेंगे तो यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको टैग्स वगैरह बाकी चीज़ें यहाँ पर लग सकती है, तो यहाँ पर टैग को जब ऑन करेंगे तो यहाँ आपको अपना टैग्स वगैरह लगा देनी है। फेसबुक पे 8 टैग लगती है, तो आप यहाँ पे आराम से 8 टैग लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, ये क्रिएट डन हो जाएगा, तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और फिर ऑप्टिमाइजेशन पे चली जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन पे सेम ही रहनी है, मोटाइज होगा तो यहाँ पे मोटाइज का ऑप्शन आ जाएगा, और बाकी ये कैप्शन वगैरह को ऑन कर देना, ये कभी नहीं होता ऑन, ऑन कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद सीधा यहाँ पे आएगा ऑप्शन पब्लिश नाउ, यहाँ पे शेड्यूल करना है सेव एज ए ड्राफ्ट वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये आपके काम की नहीं है, क्रॉस पोस्टिंग है, प्लेलिस्ट वगैरह है, तो यहाँ से ऐड कर दो और इसको पब्लिश कर दो। तो जैसे हम इसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो क्या है पब्लिश हो जाएंगी हमारे पेज पे, और ये इस तरह से अपलोड हो जाएगा नए इंटरफेस से पेजेस के अंदर। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट के जरूर बताओ, इसके बारे में और वीडियो चाहते हो और ट्यूटोरियल चाहते हो मेटा बिजनेस सूट्स का, ये वाला मेटा बिजनेस सूट्स का कमेंट करके बताओ, मैं और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। तो आप अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।